हरियाणा के चुनाव को लेकर बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। बीजेपी जारी किया 20 वादे का घोषणा पत्र। हरियाणा में किसानों के लिए बीजेपी का बड़ा ऐलान, 24 फसलों की एमएसपी पर होगी खरीद। हरियाणा में बीजेपी ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए गारंटी पत्र में किया वादा। लाडू लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए का किया देने का ऐलान। बीजेपी का वादा, हर घर गृहिणी योजना के तहत हरियाणा में महिलाओं को 500 रुपए मिलेगा गैस सिलेंडर। गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय के बीपीएल परिवारों के लिए 500 में एलपीजी का सिलेंडर प्रदान करना जारी रखेंगे। हरियाणा के युवाओं से बीजेपी का वादा, 2 लाख युवाओं को बिना खर्चा बिना पर्ची दी जाएगी नौकरी। अग्निवीर भर्ती पर हरियाणा में बीजेपी का बड़ा ऐलान, हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी का मिलेगा लाभ। बीजेपी ने फरीदाबाद गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस सेवा का भी किया वादा, रैपिड रेल सेवाओं का भी किया वादा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया छलावा, कांग्रेस पर जमीन घोटाले, जमीन का लैंड यूज चेंज कर उसे हड़पने का लगा आरोप। हरियाणा में चुनावी कमान संभालेंगे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, 20 सितंबर से 11 जिलों में करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने विनेश फोगाट पर किया कटाक्ष, कहा जब तक वे खेल में थी तब तक एक खिलाड़ी निष्पक्ष रूप से थी, विनेश उसे पार्टी के साथ जुड़ी जिस पार्टी ने कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया। जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला किया था, जब तक वो खेल में थी तब तक एक खिलाड़ी निष्पक्ष रूप से थी, अब राजनीति में है तो एक विचारधारा के साथ जुड़ी है और उस पार्टी के साथ जुड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला किया था। कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार ने हमारी पगड़ियों का अपमान किया, लोगों को सिर्फ डंडे और लठ मिले हैं। विनेश फोगाट ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा, कहा 5 साल से युवा बच्चे घर बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं मिली, इसके जिम्मेदार हम हैं क्योंकि हमने बीजेपी को चुना था। जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीनगर में विपक्ष पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की बर्बादी के लिए 3 खानदानों को बताया जिम्मेदार, कहा इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, इन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर को लूटना इनका हक। पीएम मोदी ने कहा इन 3 खानदानों में जम्मू कश्मीर में फैलाया नफरत का बाजार, युवाओं के हाथों में सिर्फ पत्थर थमाए। कुछ दिन पहले जब मैं जम्मू कश्मीर आया था तो कहा था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर में अब कोई स्कूल नहीं जलाया जाएगा, राज्य में 50,000 बच्चों का स्कूल छूट चुका था, मोदी ने इन स्कूलों में दाखिला कराकर प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू कराई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाबी खत लिखा, देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा, उसे सही ठहराने की कोशिश क्यों की। नड्डा ने किया सवाल, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर किस बात का गर्व करती है, क्या इसलिए कि वे पाकिस्तान परस भारत विरोधी लोगों के साथ गलबहियां करते हैं। नड्डा ने कहा खड़गे जी क्या कांग्रेस या इसलिए राहुल गांधी पर गर्व करती है कि वो आतंकियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में जाकर खड़े हो जाते हैं। खत में नड्डा ने खड़गे से पूछा जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही, जिसकी दृष्ट मानसिकता से पूरा देश वाकिफ हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं।
नड्डा ने जवाबी खत में खड़गे से किया सवाल। जब राहुल गांधी ने सरेआम मोदी की छवि को खराब कर देंगे वाली बात कही थी तो राजनीतिक मर्यादा को किसने खंड खंड किया था? खड़गे जी। नड्डा ने खत में लिखा, राहुल गांधी देश तोड़ने वाली ताकतों से मांगते हैं समर्थन, विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप की करते हैं मांग। नड्डा ने राहुल पर धारा 370 के समर्थन, सनातन संस्कृति के अपमान का लगाया आरोप, आरक्षण और जाति की राजनीति के खिलाफ भड़काने का भी लगाया आरोप। नड्डा ने लिखा, खड़गे जी को अपने नित्य निरंतर फेल प्रोडक्ट का बचाव करना और उसे महिमा मंडित कराना मजबूरी है। नड्डा ने खत में सोनिया गांधी पर भी किया वार, लिखा, ये राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ही थी ना खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य शब्दों का प्रयोग किया था। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी को आतंकी कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा था खत, जेपी नड्डा ने उसी खत पर खड़गे को लिखा जवाबी खत। खड़गे की खत पर नड्डा के जवाबी वार के बीच बीजेपी आईटी सेल के हेड का भी कांग्रेस पर करारा वार, अमित मालविया ने ट्वीट में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान का दिया हवाला। अमित मालविया ने लिखा, पाकिस्तान एक आतंकी देश, कश्मीर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीति का करता है समर्थन। मालवीय के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक पाकिस्तानी चैनल पर जम्मू कश्मीर और अनुच्छेद 370 को लेकर की थी टिप्पणी। अमित मालवीय ने किया सवाल, ऐसा कैसे कि पन्नू से लेकर पाकिस्तान तक राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस हमेशा भारत के हितों के खिलाफ खड़ी नजर आती है। राहुल गांधी ने नवादा अग्निकांड पर किया ट्वीट, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है।